जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 26/2/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है तुम्हें खीर खंड होकर रहना है। किसने किसको कहा? मीठे मीठे बाप दादा ने अपने मीठे मीठे बच्चों को कहा कि मीठे बच्चे तुम्हें खीर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है, कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो हम अपनी चेकिंग करें और फिर यदि हमारे अंदर ये बातें हैं जो बाबा ने हमें बताई तो उन बातों का हम त्याग करें, हम उन बातों को छोड़ दें। प्रश्न है आज का, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए, जन्म जन्मांतर उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम दया स्वयं पर जरूर करना है? उत्तर है, स्वयं की अंदर से जांच करके क्या करें, जो बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है तो उन्हें निकाल देना है, खीर खंड होकर रहना है, एक की ही श्री मत पर चलना है, मत भेद में नहीं आना है, कोई भी इविल बातें न सुनना और न सुनाना है। अपने ऊपर जो रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुखों की लकीर लगा देते हैं, तो यही अपने ऊपर रहम करना है, इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक हमारे आधार हो। धारणा के लिए मुख्य बिंदु, बिंदु नंबर 1, ज्ञान और योग सीख कर भक्त से ज्ञानी तू आत्मा बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पर पवित्र जरूर बनना है, माया से युद्ध करें, भले उस युद्ध में हम थक जाएं, पर बाबा कहते हैं पवित्र तो हर हालत में रहना है। नंबर 2 है, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा और निरहंकारी बनना है, इविल बातें नहीं बोलनी है। आगे बाबा ने कहा न सुननी है न सुनानी है, अब बाबा कहते हैं इविल बातें न बोलनी है, न कोई बोलता है तो उसे हमें साथ सहयोग देना है और मतभेद में भी नहीं आना है। वरदान है आज का, अपने बचे हुए तन मन और धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हरेक की जो अंगुली दिखाई है ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब तुम्हारा यादगार भी बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ भी लगाया उसमें 99% गंवा दिया, बाकी जो 1% बचा है अब सच्ची दिल से उसे ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने राय के रूप में बताई।
स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सर्व का मान प्राप्त होता है। मांगना नहीं पड़ता, मांगने से तो मरना भला। तो बाबा कहते निर्माण बनते चलो, मान अपने आप आगे आगे मिलता चला जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।